सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया एक बार पुनः एक नई विचारधारा के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, अगर ये समाज संगठन भारत का उद्देश्य सामाजिक गतिविधियों को लेकर ही है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सम्मानित साथियों, आज की जो हमारी विचारधारा है, कोरिया जिले में हुए अगर ये समाज के महासम्मेलन में वहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय श्री शुक्ल प्रसाद नागवंशी जी ने शानदार तरीके से मंच का संचालन किया है, जिसके छोटे छोटे क्लिप आधारित वीडियो हम आप सभी के बीच आज लाए हैं। आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने शानदार तरीके से मंच का संचालन किया है। तो साथियों, चलिए हम देखते हैं उनके मंच संचालन की गतिविधियों के, उन्होंने मंच संचालन में क्या क्या बोला और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में, तो आप हमको अवश्य कमेंट के माध्यम में दर्शाइएगा। तो साथियों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अपने विचारधाराओं को कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करिएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। कि जिन्होंने टेक्नोलॉजी के तहत तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के माध्यम से आज यह संभव हुआ कि हम सब एक जगह पर एक मंच पर मिलने का अवसर मिला है, बोलने का अवसर मिला है। और इसका श्रेय जाता है हमारे, सबसे ज्यादा श्रेय जाता है माननीय आदरणीय श्री दशरथ प्रसाद अगरिया जी का, जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजी के तहत आज इस मंच को संजोए हैं और संजोते हुए इस मंच तक खड़ा करने का प्रयास किए हैं। वह धीरे धीरे साकार जरूर हो रहा है और होगा। हम सब एक रहेंगे, हम सब एक रास्ते पे चलेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि अब हम अगरिया नहीं रह गए जो अगरिया जाति भावनाएं जो गलत थी, लेकिन आज हम लोग भी एक साक्षर हो गए हैं, एक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और आज हमारा समय की पहचान है, इस समय का पुकार है, समय का पुकार है कि अब दशा को दिशा में बदलें और कैसे युवा को जोड़ना, इसका उत्तर आप सबको मिलेगा। और यही विचार के लिए भी यहाँ पर हम आप सब उपस्थित हैं। तो ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए क्या कहते हैं आगे मंच की प्रस्तुति के लिए मैं पुनः सर को आमंत्रित करूंगा। और इसके पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि हमारे पास अभी बहुत सारे प्रवक्ता हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, जिन्होंने अपना अपना विचार अभिमत हमारे समाज के लिए शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उसे हम लोग धैर्यता से सुनेंगे, साहस के साथ और वीरता के साथ। मनोबल को बढ़ाना होगा, मन को गिराना नहीं। इसलिए मैं निवेदन बार बार आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप अपने मन को खाली करके रखिएगा। मेमोरी होता है मन में ना, जिस प्रकार से एक मेमोरी होता है, जो गाना होता है जिसको लगा करके सुनते हैं, मेमोरी पूरा हो जाता है तो वहां से सेव करना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेमोरी को हम लोग भी अपने दिमाग की मेमोरी को खाली करके रखेंगे और मेमोरी में अपना उसको अपलोड करेंगे, जो यहाँ से बातें होंगी, जो यहाँ पे समझ आएगा, उन बातों को नोट करके चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद उसका प्रयास करेंगे चलने का, कि वास्तव में समाज ने क्या कहा, समाज में लोगों ने क्या कहा। आज समय कह रहा है, कोई कह नहीं रहा है, आदमी यहाँ पे कह नहीं रहा है, यहाँ पे समय कह रहा है कि बदलो, बदलने का समय आ गया है, परिवर्तन होने का समय आ गया है। तो अब जागो हमारे अगरिया भाइयों और बहनों, और उठ करके चलना सीखे, हमको सीखना है। यहाँ कोई जानता नहीं है, ये भी ध्यान रहे, यहाँ कोई जानकार नहीं है, इतने उपस्थित हैं, इसमें से हम कोई जानकार नहीं है, सिर्फ एक प्रयास है चलने का, मिलकर के चलने का प्रयास है, ये भाव होगा। तो ठीक है, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करता हूँ और बीच बीच में जो संबोधन होगा उसके बीच में एक एडवर्टाइज होगा, जिसमें आप लोगों के मन को उत्तेजना बना रहे और ताली भर होता रहेगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कुमारी मीना, एक स्वागत गीत लेकर के आ रहे हैं जो डांस के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो मीना कुमारी, आप जहां कहीं भी हो,
आप जल्दी मंच पर पहुंचने का कष्ट करें, और इसके बाद दूसरे क्रम में हमारे जो छोटे बच्चे हैं वे भी आपका आप हम सबका स्वागत करेंगे एक नृत्य के माध्यम से, कि इसी विचारधारा को यही सब विचारधारा होना चाहिए और होना है, होना चाहिए नहीं बल्कि होना है, कि हम सब अपने विचारों से एक बन जाएं और एक रास्ता तीनों बालों को ध्यान देते हुए हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना होगा। और यहाँ पर सब लोग विचार करने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और यह एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, यह अहर सौभाग्य है।